हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन बाय सिक्स माइनस फाइव एक्स बाय एट एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, वो है x। इसका मतलब ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल और x का पावर वन है, इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर x का पावर टू होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का पावर अगर थ्री होता तो क्यूबिक इक्वेशन, x का पावर अगर फोर फाइव सिक्स ऐसा कुछ भी होता तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, फिलहाल यहाँ x का पावर वन है, इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो x हमने फाइंड आउट किया है वो हमें चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं। देखो यहां लिखा है चेक द रिजल्ट, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, दैट इज x प्लस सेवन माइनस एट एक्स बाय थ्री इज इक्वल टू 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 8, ये गिवन इक्वेशन है। चलो अब हम इसको सॉल्व करके इसके थ्रू x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सीधा सीधा एक काम करो, ये पूरे इसका LCM ले लो। LCM अगर आपने ले लिए और अगर आपने LCM से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या LCM हो सकता है, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है। डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो ये तीनों के लिए LCM हम ले लेंगे 24, क्योंकि 24 ये तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको LCM में ऐसा नंबर लेना होता है जो तीनों से डिविजिबल हो, जो सबसे डिविजिबल हो। तो जाहिर सी बात है 24 ये सभी से डिविजिबल है, तो इसका LCM हम ले लेंगे 24। तो हम यहां लिख लेंगे टेक LCM एज 24 एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24। देखो हमने क्या किए, LCM 24 ले लिए और अब हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 24, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखे 24 और ब्रैकेट में हम पूरा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेंगे। ये देखिए ये हमने लिखे इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये 17 बाय 6 माइनस 5x बाय 8। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में, ये हमने दोनों साइड को सबसे पहले ब्रैकेट में ले लिए और ब्रैकेट के बाहर हमने 24 लिख लिए, इसका मतलब हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अब चलो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, 24 से हर एक टर्म को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर भी 24 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो हम यहां लिख लेंगे, ये आएगा 24x, पहले टर्म को मल्टीप्लाई किए, देन यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 7, फिर माइनस 24 इंटू 8x बाय 3। ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरी तरह से मल्टीप्लीकेशन हो चुका है और अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो ये हम यहां लिख लेंगे 24 इंटू 17 बाय 6 और फिर माइनस 24 इंटू 5x बाय 8। देखो इस तरह से हमने यहां दोनों साइड में 24 से अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए और अब यहां पे रिजल्ट क्या मिलता है वो हम देखेंगे। तो रिजल्ट निकालना काफी आसान है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपको करना होता है। तो ये हम लिख लेंगे 24x प्लस 24 इंटू 7 करेंगे तो ये आएगा 168। ठीक है, यहां पे अगर आप ये करेंगे तो देखो 3 1 3 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 8 ये हो जाएगा 64x इक्वल्स टू यहां पे 6 1 6 6 4 24। ओके, और 17 इंटू 4 कर लो तो 17 इंटू 4 वो हो जाएगा 68। तो ये हम यहां लिख लेंगे 68 माइनस यहां 24 इंटू 5 कर लो तो वो हो जाएगा यहां पे 120। जस्ट अ मिनट, यहां पे एक काम करेंगे, ये ऐसा करेंगे 8 1 8, ठीक है ना, ऐसा करेंगे, ठीक है ना, 8 3 24 और फिर 5 3 कर लेंगे तो ये हम यहां लिख लेंगे 15 ऑफ एक्स। इस तरह से फाइनली हमने ये आसानी से इतना कैलकुलेशन कर लिए। आगे बढ़ेंगे, अब सभी एक्स को एक साइड में शिफ्ट करो और सभी कांस्टेंट को दूसरे साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो ये जो एक्स है
15x इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और ये 168 को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे 24x माइनस ऑफ 64x प्लस ऑफ 15x इज इक्वल टू 68 माइनस ऑफ 168, देखो इस तरह से। ओके, और अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखो ये 24 और 15 इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 39 और उसमें से 64 सब्सट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25x, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो ये टर्म बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस में, और इसका रिजल्ट रहेगा 100, देखो इस तरह से। और अब यहां पे x फाइंड आउट करना है तो ये हम यहां लिख लेंगे 100/25, तो फाइनली हमें x मिल गया कितना, 4। देखो x हमने फाइंड आउट कर लिए, यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100 को 25 से डिवाइड किए तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है 4। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ है। यहां पे एक काम करेंगे हम, क्वेश्चन में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट, इसको चेक भी करना है, इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसको चेक करेंगे, और चेक करना काफी आसान है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है वो ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। अगर आ गया तो समझ लो जो हमने फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो हम यहां पर लिखेंगे चेकिंग, ठीक है, चेकिंग हम यहां पे ऐसा स्टेटमेंट में लिख लेंगे। और अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गिवन इक्वेशन का यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 7, तो हम यहां लिख लेंगे x प्लस 7 और फिर माइनस एट एक्स बाई 3, माइनस ऑफ एट एक्स बाई 3। बस यहां पे जहां जहां पे x है वहां वहां पे 4 पुट करो, क्योंकि x का वैल्यू हमने 4 यहां पे फाइंड आउट किए, तो हम लिख लेंगे 4 + 7 माइनस ऑफ 8 × 4/3 ऐसा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहां पे 4 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो हम लिख लेंगे 11 माइनस ऑफ ये 32/3 इस तरह से। और अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो 11 का डिनोमिनेटर यहां पे क्या हो जाएगा, 11 का डिनोमिनेटर यहां 1 रहेगा। देखो हम यहां ऐसा लिख लेंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 33 माइनस, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32, और फिर डिनोमिनेटर में 3 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब ये 33 − 32/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3, तो हम यहां लिख लेंगे 1/3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमें मिला है 1/3। जैसा हमने कहा था कि x का वैल्यू हमें ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो गिवन इक्वेशन में पुट करते समय हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1/3, ठीक है। देखो LHS हमने सॉल्व किए, 1/3 रिजल्ट आया है। और अब चलो राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं, जहां पे x है देखो यहां पे x है, यहां पे 4 पुट करो और उसको सॉल्व करो और देखते हैं उसका भी आंसर 1/3 आता है कि नहीं। तो ये हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे, देखो इतने जगह में ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलो अब हम राइट हैंड साइड में यहां लिख लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड तो ये है 17/6 हम लिखेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा जहां तक, और −5 × 4/8 देखो ऐसा है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 17/6 माइनस ये हो जाएगा 20/8, और इसमें जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख लेंगे 17 × 8 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 × 6 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 8। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में 17 × 8 करेंगे तो ये आता है 136 माइनस 20 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और डिवाइडेड बाय ये 6 × 8 फिलहाल एज इट इज रखो, नीचे में मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं। और अब ऊपर में सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ पे 136 माइनस 120 करो तो ये हो जाएगा 16/6 × 8 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए ये ऐसा होगा 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है। और फिर यहां पे क्या बच गया, 2 और 6, न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 6 बचा, और अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इसका मतलब फाइनली क्या बचा, फाइनली यहां पे हमें रिजल्ट मिल गया 1/3, इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड मिल चुका है 1/3। जैसा हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हमने यहां पे अलग अलग सॉल्व कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1/3, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1/3, इसका मतलब यह है
कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू जो फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बस यहां पे अब हमें एक स्टेटमेंट में ये लिखना है कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है सिंस LHS इज इक्वल टू RHS therefore x इज इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपरली लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने सॉल्व कर लिया है और रिजल्ट को भी हमने चेक कर लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।